तो आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक ये है एटीट्यूड कनेक्शन के ऊपर। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एटीट्यूड कनेक्शन कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप मिस नहीं करना और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। हमारे पास ड्यूअल स्टार्टर है 3 पेज का और 3 पेज एटीट्यूड है। इसमें मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले ए एटीट्यूड है, ए हमारे पास ड्यूअल स्टार्टर है, इसका ये लूपिंग निकाल दीजिए सबसे पहले ए। अगर आपको एटीट्यूड में चलाना है तो इसको आप इस लूपिंग को निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपको इसे निकालना है, एक मिनट देखिए। हाँ, निकालने के बाद आपको, चलिए आगे मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास ए 3 फेज है, हमारे पास ये 3 फेज है। इस 3 को जाएंगे, 3 फेज हमारे इस 3 को कनेक्ट होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि एटीट्यूड कनेक्शन कैसे होते हैं, क्या क्या होता है, कैसे करते हैं कनेक्शन। एक बार आप कनेक्शन देख लेते हो अब प्रॉपर, तो आपको अगर 6 वायर का भी आपके पास एटीट्यूड है और 7 वायर का है, कोई भी एटीट्यूड हो, उसके कनेक्शन आप बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम इस आर टर्मिनल को हम जोड़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से एटीट्यूड से हमने वायर लिया, ये सीधा ऊपर गया, ऊपर जाएगा हमारे ड्यूअल स्टार्टर के आर फेज में। तो हमारा ये आर फेज में आ गया ड्यूअल स्टार्टर के। तो नेक्स्ट आता है हमारा वाई फेज, वाई फेज भी हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से हमने उठाया ऊपर और सीधा ऊपर, और यहाँ से ने इसको दे दिया। इसके बाद हमारा आता है ब्लू वाला RYB, ब्लू वाला भी हमने यहाँ से उठाया, इसको यहाँ से ऐसे और ऊपर, और यहाँ से ऊपर की साइड में हमने 3 फेज जो कनेक्ट कर लिए RY और B, 3 फेज को हमने कनेक्ट कर लिया। अब बाकी बचते हैं 4 वायर, N वायर V वायर, S1 और S2। किसी किसी एटीट्यूड में यहाँ पर लिखा हुआ होता है P2, यहाँ पर P3, और यहाँ पर भी P3, और यहाँ पर P4। तो इस एटीट्यूड में N V S1 और S2 लिखा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर नीचे देखते हैं आप, तो N यानी कि P2 में जोड़ना है, P2 यानी कि A। ये ड्यूअल स्टार्टर में ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है और ये P4 है। तो चलिए P1 P2, हम आपको सिर्फ P2 P3 और P4 में, ये P1 छोड़ देना है हमें, P2 P3 और P4 में ही सिर्फ कनेक्शन करने हैं। तो चलिए हम ग्रीन वायर एक उठा लेते हैं, ग्रीन वायर N से हम उठा लेते हैं, यहाँ से हमने इसे उठाया यहाँ पर, हमें ये सीधा जाके P2 में कनेक्ट कर लेना है। P2 यानी कि ए सेकंड वाला में हमको कनेक्ट कर लिया, ये देखिए हमने P2 में इसे कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद हमारा बचता है V और S1, V और S1 एक ही होते हैं, यानी कि ये दोनों वायर V और S1, ये दोनों वायर P3 में कनेक्ट होते हैं। तो चलिए इस हम दोनों को एक ही कर देते हो, यहाँ से सिर्फ एक ही वायर उठाते हैं हम। चलिए हम कलर ले लेते हैं कौन सा भी, आपको अगर वाइट आता है ग्रीन आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से उठा लेते हैं एक कलर। चलिए इन दोनों को मिला के हमने एक ही कलर यहाँ से उठाना है, वो सीधा जाएगा P3 में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऊपर, ये सीधा कलर जाएगा P3 में, ये P3 को कनेक्ट हो गया। इन दोनों को मिला के हमने एक ही उठाया वायर P3, नीचे देखिए यहाँ पे ये P3 P3 यानी कि V और S1 है। तो चलिए अब बाकी रहेगा है S2, S2 के लिए हम P4 में कनेक्शन करेंगे,
एस टू से हमने ब्लैक वायर उठाया, ब्लैक वायर जाता है सीधा पी फोर में, पी फोर पी फोर में गया। ये हो गए हमारे टोटल एट स्विच के कनेक्शन। इसके बाद आपको फिर भी दिक्कत आती है आपकी, अगर फॉल्टी लाइट जलती है एट स्विच के ऊपर की, तो आपको कुछ नहीं करना है, आर और वाई वायर टर्मिनल जो है हमारा, इसको आपस में बस चेंज कर देना है। आर की जगह पे आपको येलो वायर लगाना है, येलो की जगह पे आर, ये आपस में आपको दो चेंज करने हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।